नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी हिंदुस्तान में आपके पसंदीदा खास कार्यक्रम आपका भाग्य बदलेगा के साथ। मैं हूं नैना यादव और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये वो खास कार्यक्रम है जो कि आपकी किस्मत बदलने के हर वो उपाय बताता है जो आपके आप भाग्य बदले। और मेरे साथ में मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य अनिल वत्स जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आपका भाग्य बदलेगा, जी हाँ, उन साधारण छोटे छोटे उपायों से जो हम आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। महंगे रत्न पत्थरों की अंगूठी, चेन, खर्चीला पूजा पाठ, मोटी दक्षिणा, अपनी कुंडली में नवग्रहों की शांति के उपाय की बात हो तो आपने ये सब कुछ अक्सर किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके नवग्रहों की शांति का उपाय आपके किचन के उन्हीं मसालों में छिपा है जिससे आप रोज लजीज खाना बनाते हैं और घर भर को अपना मुरीद बना लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कार्यक्रम में कैसे किचन के यही मसाले आपकी किस्मत चमकाएंगे। किचन के मसालों का नवग्रह कनेक्शन का सीक्रेट क्या है आज हम जानेंगे। तो कुंडली में ग्रहों की कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं मसाले, क्या शनि की साढ़े साथी पर भी भारी पड़ेंगे मसाले, ये भी जानेंगे हम। तो मसालों के किस तरह के इस्तेमाल से आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत चमकेगी, मसालों के इस्तेमाल से ग्रहों के बुरे प्रभाव कैसे होंगे दूर, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो आज तैयार रहिए क्योंकि भाई ये तो बहुत साधारण से उपाय है, इसीलिए कॉपी और पेन को रखें तैयार और इन उपायों को रखें नोट ताकि आप भी अपने ग्रहों को कर सके मजबूत और आपका भाग्य बदले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज के जो हम खास उपाय आपको बताएंगे उन उपायों को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो काम चमत्कार बहुत बड़ा करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। बिल्कुल, तो गुरुजी से जानते हैं, गुरुजी आखिर आज वो कौन सा समय है जो हमारे दर्शकों की किस्मत बदल सकता है और किस समय से उन्हें थोड़ा सा रहना है सचेत। बहुत प्रीतिकर बात कही आपने। चलिए आज का पंचांग शुरू करते हैं। देखिए, द्वितीय अधिवास और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि के आचार्य अग्निदेव हैं, उनको प्रणाम करते हुए आज एक छोटा सा प्रयोग करें। 7 लड्डू ले लीजिए बेसन के, सिर से वार कर अगर गाय को खिला दें और पीछे मुड़ के ना देखें तो व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव कहते हैं ये। और फिर आज ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देव हैं, जिससे ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि गंडमूल का है काबू में आ जाता है, उनके मंत्र हैं ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र से एक माला जाप करें, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है। आज सिद्ध योग भी है। कर से मुक्ति के लिए क्यों ना गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अरिष्ट अनिष्ट तो दूर होते ही हैं, कर्जे भी दूर हो जाते हैं। बालवकरण एक अद्भुत व्याख्या करते हैं। जी हाँ, जय नामक एक ग्रंथ है जिसे महाभारत भी कहा जाता है, उसी में गीता के, जी हाँ, 11वें अध्याय के 36वें श्लोक को, 11वां अध्याय 36वें श्लोक को थोड़ी आप मेहनत करिए ना, कुमकुम से भोजपत्र पर लिखकर पूर्व दिशा में लगा दीजिए। देखिए फिर कैसा ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है, मान सम्मान की प्राप्ति और पद प्रतिष्ठा भी मिलने लगती है। राहु काल की ये बात करें तो 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक है। और ध्यान रखें ये IST स्टैंडर्ड टाइम से हम बताते हैं, हर नगर का अलग अलग होता है पर स्टैंडर्ड टाइम इतना समझ लीजिए। तो चलिए आज एक प्रयोग भी कर लीजिए ना, लक्ष्मी विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइए, 11 परिक्रमा कर लीजिए, लेकिन हाथ में एक पुष्प ले लीजिए, कमल पुष्प, और भगवती लक्ष्मी को ही अर्पित कर दीजिए। और अर्पित करते वक्त कहिए नमः कमल वसन्यई, बस इतना कहें। देखिए, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रॉपर्टी के ऐश्वर्य और घर में बेटी जिसका विवाह हो गया है बाधाएं आती हैं वो भी दूर तत्काल हो जाएंगी।
वाह, यानी कि गुरुजी ये तो समय के अनुसार खास उपायों की बात हो गई, यानी कि जो भी मुहूर्त होते हैं, जो भी योग होते हैं, इस दौरान क्या करना है ये तो हमने जान लिया, यानी कि जो पंचांग है वो वक्त आपने जाना है और उस पंचांग के अनुसार भी आप अपने कार्य कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आज आपको आखिर वो क्या खास टिप अपनानी है जिससे आपका दिन बहुत ज्यादा उत्तम हो। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप भी अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों की समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। जन्म की तारीख, समय, स्थान, ये तीन चीजें आप हमें बताइए और जानिए अपनी समस्या का अचूक समाधान गुरु जी से। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी टिप की। तो गुरु जी, क्या है आज का स्पेशल लकी टिप जिससे हमारे दर्शकों का दिन सफल होगा और काम भी बन जाएंगे? अवश्य, कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, छोटा सा प्रयोग आज के लिए। एक पीपल की लकड़ी आपको मिली जाएगी। जब पीपल के वृक्ष पे प्रदक्षिणा करते हैं कभी कभी लकड़ी मिल जाती है, इसको क्या करें, स्टील के गिलास में पानी डाल के रात भर अपने सिरहाने रखें। वो लोग जिनकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती, डॉक्टरों के पास जा जा के दवाइयां कर करके दुखी हो जाते हैं, ये प्रयोग उन्हीं के लिए। और प्रातःकाल उठकर उसी जल को पीपल के पास जाके उसकी जड़ में डाल दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए ओम अश्वथाय नमः। इस प्रकार वहां प्रदक्षिणा यदि करेंगे तीन, तो क्या क्या ठीक होगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। एंड स्पेशली जो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं वो दूर होते हैं। और स्किन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये रहा मंत्र, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान स्वयं श्री हरि कहते हैं, मैं सत्य सत्य और पुनः सत्य कहता हूं, जो ऐसा करेगा, पीपल को प्रणाम करें और ध्यान रखें इस उपाय को, टोटके को किसी से कहें ना, यही राज छिपा है। टोटका कहना नहीं है, आपके कष्ट दूर हो जाए। बिल्कुल, यानी कि गुरुजी अगर इस टोटके को, इस उपाय को अपनाते हैं तो जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उससे हमारे दर्शकों को निजात मिलेगी। लेकिन याद रखिए, अपनाइए लेकिन किसी से साझा ना करें। गुरुजी, हमारे साथ में जो दर्शक है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ पंजाब से राजकुमार जी समय फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजकुमार जी, आपका डिटेल्स बताइए, क्या है जन्म की तारीख? गुरु जी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा, सुखी रहो। 10 जनवरी 1995 जी, 1995 जन्म का समय बताइए। 4:45 शाम के जी, लुधियाना पंजाब जी। शाम को 4:45 और जन्म स्थान लुधियाना। चलिए सवाल पूछिए राजकुमार जी। 45 जी, 4:45। हमारा बेटे का मोबाइल का काम है जी, एक तो चार दिन चलता नहीं, एक आलसी बहुत है जी। चलिए, उनके आलस का इलाज आ गया है, राहु पंचम भाव में है और विशेष रूप से इस आलस को दूर करने के लिए एक प्रयोग करिए, 100 ग्राम जौ ले लीजिए। जी हाँ, 100 ग्राम जौ, चूंकि वो इस वक्त तुला राशि में है तो थोड़ा सा दूध के अंदर जौ को अच्छी तरह धो लीजिए और शाम को बहते पानी में बहा दीजिए, आलस से दूर हो जाएगा। मोबाइल का काम बताया कि वो चलता है कुछ दिन और कुछ दिन नहीं चलता, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, लाल रंग का बल्ब वहां चढ़ा दीजिए, बल्कि लगाई दीजिए और एक ध्वजा भी लगा दीजिए। और जब ये काम करें तो वहां हनुमान चालीसा बैठ के जरूर पढ़िए और दंडवत प्रणाम करके प्रभु से करिए कि प्रभु मेरे बच्चे का मोबाइल का काम चला दो ना, बस ये कह के आ जाओ, चमत्कार आप खुद देखेंगे। बिल्कुल, तो राजकुमार जी जो खास उपाय बताए हैं अपने बेटे के व्यापार को चमकाने के लिए, इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को बता दें आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि जीवन में कोई समस्याएं हैं, यदि आप भी उनका समाधान जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए जो नंबर टीवी स्क्रीन पर है। गुरु जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की, कैसे हो किस्मत का श्री गणेश, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जो राशिफल है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुरुजी ये हो जाता है कि आखिर जो हमारे ग्रह हैं हम उन्हें किस तरह से और भी ज्यादा मजबूत करें, और उन मजबूत, अगर हम उन्हें मजबूत करना चाहते हैं तो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी किचन से भी जुड़ता है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि किचन में ऐसे कौन से राशि छिपे हुए हैं।
किचन में तो कमाल के राज छिपे हुए हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम बहुत भारी भारी रत्न ही पहने, और ये भी आवश्यक नहीं है कि बहुत मंत्र जाप पूजा पाठ करें। हालांकि ये सारे के सारे संबंध हैं इनके, लेकिन टेस्ट की बात करते हैं अभी आपको। देखिए, सूर्य का जो संबंध होता है तिक्त है, कटु स्वभाव है। सात्विक तो उनके गुण हैं, लेकिन उनके भीतर जो उनका स्वाद है वो कटु है। चंद्रमा जो है, देखिए ये भी सात्विक हैं, लेकिन इनका जो स्वाद आता है वो नमक हो जाता है। टेस्ट जो करेंगे किचन में, अगर चंद्रमा का प्रभाव देखना हो तो नमक से कर लेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार अगर बुध को देखेंगे, बुध का प्रभाव मिला जुला होता है, और इसी के साथ साथ बुध की जो प्रकृति होती है वो द्विस्वभाव है, रजस प्रकार की है। तो बुध का अगर प्रभाव देखना हो तो मिक्स देखेंगे। बृहस्पति का अगर प्रभाव देखना हो, सात्विक ग्रह हैं, इनका अगर आप प्रभाव किचन में जाके टेस्ट में देखेंगे तो मीठे से इन्हें बहुत शौक है। मिष्ठान जितने भी हैं उसका संबंध बृहस्पति देव से है। शुक्र का संबंध तो सीधा खट्टी चीजों से है। जी हाँ, खट्टी चीजें जितनी भी, आप अमचूर इत्यादि का संबंध जो है वो शुक्र देव से हो जाता है। ऐसे ही शनि देव जो हैं, इनका जो विशेष प्रभाव है वो कसैला होता है। और आपके किचन में भी इनके जितने भी तेज चीजें हैं, काली मिर्च वगैरह है, उस पर इनका प्रभाव है। तो इसी प्रकार राहु केतु का भी प्रभाव है। जितने भी मसाले जो तेज हैं, उनका सीधा संबंध राहु केतु से होता है। संक्षेप में बताया है, फिर आपको डिटेल में बताते हैं। जी गुरु जी, एक हमारे साथ में दर्शक कर्नाटक से जुड़े हुबली से, आर्यन जी ने डिटेल्स भेजी। 1/8/2002 3:25 शाम को जन्म का समय और उदयपुर जन्म स्थान। ये जानना चाहते हैं कि बेटे की जो डिटेल्स है उनके, बेटे ने 10th पास की है और वो अब आगे क्या करें चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाए तो क्या उनके लिए ये बेहतर होगा? बहुत सही सोचा है, उनकी मेष राशि है और दशम भाव के अंदर सूर्य बुध गुरु का एक अद्भुत योग बना हुआ है। देखिए, सूर्य खुद एक डॉक्टर हैं, जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट मिलता है या राहु का एस्पेक्ट मिलता है, मेडिकल लाइन बहुत अच्छी रहेगी। इन्हें इस दिशा में आगे भेजिए, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बस एक काम करें, इन्हें एक मोती पहना दीजिए 5 रत्ती का, ये इनके लिए पर्याप्त। बिल्कुल, तो डॉक्टर बनने की तैयारी कीजिए आर्यन, और ये आपके लिए बहुत बेहतर फील्ड है। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। जी हाँ, राशियों से ही तो होता है किस्मत का श्री गणेश। गुरु जी, सबसे पहले बात मेष वृषभ मिथुन राशि के जातकों की। जी हाँ, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि जिनके आचार्य हैं, जी हाँ, भौम यानी पृथ्वी के पुत्र, आपके लिए आज का दिन उधार से परहेज रखना चाहिए, इससे आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। और पुराने मित्रों के सहयोग से कारोबार में भी विशेष फायदा होने के योग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और व्यर्थ किसी से लड़िए झगड़िए नहीं। और इसी के साथ साथ वृषभ राशि के आचार्य हैं शुक्राचार्य, आज का दिन आपके लिए, जी हाँ, व्यस्त भरा होगा। कुछ रुके हुए अटके हुए काम भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। भाग दौड़ से सावधानी बरतें, कहीं पैर में चोट ना लग जाए। और इसी के साथ साथ आप कुछ विशेष निर्णय आज आप ले सकते हैं, जिससे आपके कार्यों में विशेष रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि जिनके आचार्य हैं, जी हाँ, बुध, आप फिजूल खर्ची से बचें। यदि आप किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं तो आज कष्ट में वृद्धि हो सकती है। कुछ अकस्मात लाभ होने की भी संभावना दिखाई देती है। धर्म अध्यात्म के प्रदेश में विशेष रूप से रुचि के योग बन रहे हैं। गुरु जी, हम किस्मत का किचन कनेक्शन तो जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ में एक दर्शक ने अपनी डिटेल्स भेजी है। संजीव जी ने भेजी है लुधियाना से, अपने बेटे की डिटेल्स भेजते हैं। 11/3/92 6:55 शाम को लुधियाना जन्म स्थान। ये जानना चाहते हैं कि इनके बेटे की नौकरी के योग कब के हैं और विवाह के योग कब के हैं, बता दीजिए। जी जरूर, देखिए राहु की महादशा में मंगल का अंतर अभी चल रहा है 26 अप्रैल 2019 तक, और जहां तक विवाह की बात करी है 15 अक्टूबर के बाद ये योग शुरू हो जाएगा।
और भगवान ने चाहा इन्हीं 4-5 महीनों में ही विवाह का कनेक्शन भी बनने वाला है। लेकिन राहु का गुरु के ऊपर एस्पेक्ट है जो कि 7वें घर का स्वामी है। राहु का उपाय कर लीजिए। राहु के उपाय के अंदर जौ ले लीजिए और गोमूत्र में भिगो के छाया में सुखा लीजिए और शनिवार वाले दिन इसे पानी में बहाइए। 7 शनिवार ये प्रयोग करिए और पुखराज रत्न उन्हें 5-5 रत्ती का पहना दीजिए, शीघ्र विवाह हो जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि संजीव जी जो खास उपाय बताए गए हैं उन उपायों को जरूर अपनाइए। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ लेते हैं। गुरु जी, आप अक्सर कहते हैं कि किचन में ही हमारी कुंडली के नव ग्रहों के इलाज मौजूद हैं। जी। हमेशा से ही, अब जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिर किस मसाले का किस ग्रह से कनेक्शन है, ताकि हमारे दर्शक जो उनकी कुंडली के अनुसार ग्रह कमजोर है या फिर जिस ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मसाला शब्द बड़ा कीमती है। मसाले सब जो हैं ये बहुत गोपनीय हैं। इनके अंदर फ्रूट के भी कॉम्बिनेशन है, बहुत से पत्ते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन है पिसा हुआ। जैसे मसलन, पिसे हुए नमक में भगवान सूर्य की ताकत है, सूर्य का वास होता है, पहली बात। अगर अब सूर्य के बाद हम एक जो सेनापति है मंगल उनकी बात करें, तो पिसी हुई जो लाल मिर्च है जो अक्सर आप खाने में और बाजार में कुछ छोले भटूरे के देते हैं उसमें मिर्च बहुत डलवा लेते हैं, उसमें मंगल का प्रयोग हो जाता है। हल्दी में ऐसे ही गुरु की शक्ति जुड़ी हुई है। और अगर साबुत जीरा लेते हैं तो इसमें राहु केतु दोनों की ही शांति करने वाला और उत्तेजना करने वाला भी मसाला है। सोच समझ के मसाले ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि किस ग्रह की ताकत बढ़ जाए या घट जाए इसका आपको ध्यान रखना है। धनिया और हरी इलायची का कनेक्शन बुध ग्रह से होता है, तो बुध ग्रह को अगर बलवान करना है तो इस इलायची का और धनिया का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। काली मिर्च का कनेक्शन सीधा शनिदेव से है, और खास करके कहते हैं ना खांसी हो गई है तो काली मिर्च थोड़ा शहद में डाल के खा लो और कफ बाहर, तो ये प्रयोग भी बहुत कीमती है। पिसे हुए अमचूर का जो प्रभाव है केतु से संबंध देखा जाता है, जबकि गर्म मसाले का संबंध राहु से हो जाता है। अगर मंगल के बारे में और थोड़ा देखें तो मेथी का भी प्रभाव, मेथी में मंगल का कनेक्शन है, उनका प्रभाव है। तो खाना खाने के बाद जब हम कहते हैं सौंफ और मिश्री का सेवन कर लीजिए, इसमें सीधा शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। बिल्कुल, यानी कि गुरु जी आपने तो किचन से ही इतने ढेर सारे राज खोल दिए। माँ अन्नपूर्णा को हम प्रसन्न करते हैं, तो अन्नपूर्णा जो है वो सभी पर कृपा करें, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन गुरु जी अक्सर हम देखते हैं कि अगर शारीरिक रूप से कोई परेशानी होती है तो वो भी ग्रहों से ही उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं, जैसे हमने कुछ टाइम पहले अपने कार्यक्रम में बात भी की, तो मसालों से किन रोगों का हम शमन कर सकते हैं, किन रोगों के उपाय भी हैं, ये मसाले ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही बात करी। जैसे जैसे अभी हमने बताया, जैसे सूर्य का संबंध जो है नमक से है, नमक के अलावा और भी चीजें हैं जिनका सूर्य से संबंध होता है। अब जन्म कुंडली में यदि देखिए ध्यान से समझें, कोई भी ग्रह खास करके अब जैसे सूर्य ग्रह की हम बात करते हैं, अगर वो नीच के हैं और वो 6वें, 8वें और 12वें घर में हैं और उनके ऊपर कोई पाप प्रभाव है तो देखिए क्या उपाय करें। आप दालचीनी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के ले लीजिए, ये प्रयोग बहुत कीमती रहेगा। अब ऐसे ही शुक्र चंद्रमा को मजबूत कर सकता है तो काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, कफ इत्यादि दूर हो सकता है। तांबे के बर्तन में यदि काली मिर्च डालकर, जी हाँ, और डाइनिंग रूम में रखते हैं तो घर में कहते हैं नजर वगैरह नहीं लगती है। कुंडली में चंद्र और शुक्र कमजोर हो तो सौंफ के साथ मिश्री को खा लेना चाहिए, एसिडिटी में भी आराम मिलता है। सौंफ के साथ गुड़ खाकर बाहर निकलने में मंगल आपका मुश्किल में आ सकता है, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है। कुंडली में कमजोर बुध को मजबूत करने के लिए इलायची और दूध में मिलाकर यदि लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाता है। हल्दी पाउडर का भी कनेक्शन दूध से होता है, यदि उसको लेते हैं तो गुरु मजबूत हो जाता है और नई नौकरी के योग भी बनने लगते हैं। हल्दी पिसा हुआ दूध पीने से हड्डियां तो मजबूत होती हैं, इसी के साथ साथ रक्त भी साफ हो जाता है। अक्सर हमने देखा गया है बेवजह घर में झगड़ा वगैरह हो गया है तो उसके अंदर क्या करें, गर्म पानी में जीरा 2 चम्मच डाल लीजिए और जब वो पानी आधा रह जाए तो हल्का सा नींबू डाल के आप उसका सेवन करेंगे तो वात पित्त कफ के दोष भी दूर होने लगते हैं।
कुंडली में कमजोर बुध को मजबूत करने के लिए इलायची में मिला हुआ दूध जैसे हमने बताया इसका सेवन करेंगे तो विशेष रूप से लाभ होगा। अच्छा एक और बात है, शुक्र को अगर मजबूत करना हो तो हम क्या करेंगे, मिश्री और सौंफ का सेवन यदि खाना खाने के बाद आप लेंगे तो विशेष रूप से आपके शरीर के अंदर पुष्टि भी आएगी और खाना भी पच जाता है। राहु केतु के लिए आचार की बड़ी कीमती एक विशेष ऐश्वर्य छिपा हुआ है। अक्सर नींबू का अचार अगर आप ले लें, ध्यान रखिएगा, तो नींबू के अचार के सेवन करने से याद रखें राहु केतु के प्रभाव भी शांत हो जाते हैं अगर वो हमारे साथ कनेक्शन उनका कष्टदायी हो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि ये तकलीफें दूर होने लगी। और एक छोटी सी बात कहता हूं, सप्त धान्य ले लीजिए, सात प्रकार के धान्य, कहते हैं ना एक रामबाण टोटका बता दीजिए गुरुजी सारे नवग्रह शांत हो जाएं। तो सप्त धान्य लेके यदि कपड़े में, कपड़ा आप चुन लीजिए काले रंग का, उसमें डालें और अपने वजन के बराबर उन सप्त धान्य को डाल करके आप अगर पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो नवग्रहों के पाप प्रभाव जो छठे आठवें बारहवें हो वो भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि यदि आपके भी अगर ग्रह आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके थोड़े कमजोर हैं तो उन्हें बलवान कैसे करना है और अपने सोए हुए ग्रहों को जगाना कैसे है, ये सीधा कनेक्शन है आपके किचन से, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं, आपका भाग्य जरूर बदलेगा। चलिए गुरुजी आप राशियों की भी बात कर लेते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि जिसके आचार्य हैं चंद्रमा। आज का दिन भाग्य के लिहाज से बहुत उत्तम है, यानी आज कोई खुशखबरी मिल सकती है, मेहनत का फल आज के दिन मिल सकता है। और इसी के साथ साथ पॉजिटिव विचारधारा रखिएगा, संतान के प्रति भी आपका विश्वास मजबूत होने वाला है। सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि जिसके आचार्य हैं सूर्य, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, महिलाएं अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और आज के दिन माता पिता के आशीर्वाद से बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। उग्रता अपने विवेक से कंट्रोल करिएगा, चिड़चिड़ेपन से बचना आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन देख लेते हैं। जी हाँ, द्वि स्वभाव राशि है, स्वामी इसके बुध हैं, आज पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और माता पिता का सहयोग तो आपको मिलेगा ही, किसी मित्र से भी आज मुलाकात हो सकती है और आज फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात होगी कर्क से ही कन्या राशि के जातकों की, ये बाकी की भी राशियों की करेंगे बात, लेकिन उसके पहले गुरुजी एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रही हैं, उनसे जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या और क्या है उनका समाधान। दिल्ली से हमारे साथ में प्रीति जी जुड़ रही हैं, प्रीति शर्मा बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रीति जी आपका डिटेल्स बताइए, क्या है जन्म की तारीख। मेरी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1980। 6 मार्च 1980, हाँ जी। अब जन्म का समय बता दीजिए। 12:21 5 तारीख की रात। 12:21 रात्रि में AM, ठीक है। और जन्म स्थान बताइए। वृंदावन जी। वृंदावन। अब सवाल पूछिए, क्या है सवाल आपका। गुरुजी मैं बाहर कनाडा शिफ्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, वहाँ सफल हो पाऊंगी और मेरा घर कब तक बनेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आप माइग्रेट होना चाहते हैं यानी कनाडा जाना चाहते हैं, तो देखिए एक पहली बात तो ये है कि अब आपके ऊपर एक दशा चेंज हो रही है और गुरु की महादशा का समापन है, शनि की महादशा शुरू है और 30/5/2018 तक की ये स्थिति है। शनि की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव में गोचर में चल रहे हैं और निश्चित रूप से आपका अब इस देश से दूसरे देश में जाने का योग है और वहाँ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिले इसके लिए कालसर्प पितृदोष की पूजा जरूर करा लीजिएगा या शिव मंदिर के अंदर आप दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और ये प्रयोग करने से सफलता मिलेगी। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक सजेशन है, पुखराज रत्न जरूर पहनिएगा 5.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में
और विदेश में निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे यदि कोई व्यापार करते हैं तो। बिल्कुल, तो प्रीति जी आप इन उपायों को जरूर अपनाइए। आप विदेश जा रहे हैं, भारत का भी नाम रोशन कीजिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें जो कॉलर्स को हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते या फिर आपकी जो डिटेल्स हमें मिलती हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान बताने की पूरी कोशिश करते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे कुछ लोगों की जो हम जानकारियों के आधार पर समस्याओं के समाधान बता रहे हैं, तो आप भी जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपको भी आपकी समस्या का समाधान मिल रहा हो। चलिए गुरु जी, में आगे बढ़ते हैं। तुला वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है, अब ये जानते हैं। चलिए तुला राशि की बात करते हैं। आज का दिन व्यापार के लिहाज से शुभ है, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका भी मिलेगा और घर में किसी खास महिला की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। भाई बहन के साथ मन मुटाव हो सकता है, बी केयरफुल वृश्चिक राशि। मन आज के दिन थोड़ा अशांत रहेगा, चिंतित नहीं रहना चाहिए, आज कहीं से पर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल में आज के दिन आपके किए हुए काम की बहुत प्रशंसा होने वाली है। धनु राशि, आज आर्थिक पक्ष में मजबूती दिखाई देती है और परिवार के परिजनों से आपके किए हुए कार्यों की प्रशंसा भी मिलेगी। माता पिता की सेहत का खास ध्यान रखें और अपने क्रोध पर काबू पाएं, क्योंकि बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। गुरु जी, अब बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को आज किन बातों का रखना है ध्यान, जिससे उनका दिन सफल हो। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि, सूर्य नंदन शनि देव की राशि है ये। आज किसी महिला मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अचानक आवश्यक कुछ विशेष खर्चे इत्यादि भी होंगे, जिससे थोड़ी चिंता और परेशानी भी होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं। और अगली राशि की बात करते हैं, और जब बात करें तो कुंभ राशि की, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपने लिए कुछ विशेष विवेक और बुद्धि से विचार करिए, कुछ विशेष कार्य बनने वाला है। जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करिए, फालतू का खर्चा परेशान कर सकता है। अपने पास कुछ अपने ऐसे लोगों को ध्यान रखिए जो हैं आज तीन के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। विदेश यात्रा की स्थिति अनुकूल बन रही है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि जिनके आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, आज का दिन खुश मिजाजी भरा हुआ होगा और इसी के साथ साथ कुछ नए शुभ कार्य भी संपन्न होंगे, जिससे मान सम्मान की प्राप्ति के योग भरपूर बनेंगे और फास्ट ड्राइविंग से आपको रखना होगा थोड़ा परहेज। बिल्कुल, ये तो बात हो गई राशियों की, तो इन खास बातों का रखें ध्यान। मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को आज क्या करना है और क्या नहीं, ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब जरा अपने घर की जो स्थिति है हम उसके अनुसार जान लेते हैं आज क्या है वो खास उपाय जो आपका भाग्य बदल सकता है। यानी कि गुरु जी बात कर लेते हैं वास्तु तथा अस्तु की, आज का क्या है खास उपाय। जी हाँ, जहाँ तक वास्तु की बात है, वास्तु का अर्थ ये होता है कि हम प्रसन्न रहें, निरोगी रहें और प्रसन्न रहें। यदि आपका घर या दुकान गली के आखिर में तो नहीं है, होता है ना कभी कभी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ठीक टी पॉइंट के ऊपर होता है, तो वास्तु दोष के कारण घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, दुकान में सेल नहीं होती, बड़ी परेशानी होती है। लोग कहते हैं मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं फायदा नहीं होता, तो चलिए श्री सुदर्शन यंत्र अपनी दुकान के ऊपर प्रवेश द्वार के ऊपर लगा लीजिए। हनुमान मंदिर जी मंदिर में जाके 9 फीट का यानी 9 गांठे हो उसमें, ये बांस उसके ऊपर एक तिकोना हनुमान जी का झंडा जो कि नारंगी या लाल रंग का हो लगा लीजिए, उसमें लिखा हुआ जय श्री राम, ऐसा आप उपाय करें और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ के मन्नत मांग लें, कहें प्रभु ऐसे ऐसे कष्ट हैं, सेल नहीं हो रही है, प्रभु कोई भी वास्तु दोष हो तो इसे दूर कर दो ना, बस आप कहें कृपा आने लगेगी, आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। बिल्कुल, भाग्य जरूर बदलेगा, हमें जो पूरी उम्मीद है गुरुजी, जो खास उपाय बताए जा रहे हैं। गुरुजी अगर आज बात हमारे मसालों की हो रही है, तो एक और लोग साढ़े साथी के नाम से यानी कि शनि जी शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, तो अगर साढ़े साथी का कोई एक अचूक समाधान बता दीजिए। चलिए साढ़े साथी का अर्थ समझ लीजिएगा कि इस वक्त क्या स्थिति होने वाली है। शनि जो है
हैं महाराज धनु राशि में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि धनु राशि मकर राशि के ऊपर तो इसका प्रभाव है। तो अब आप वृश्चिक राशि धनु और मकर राशि की सामग्रियां इकट्ठी करें, काले तिल ले लीजिएगा, अजवाइन ले लीजिएगा, जौ ले लीजिएगा और इसी के साथ साथ जटामांसी ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं और शनि के लिए लोबान ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं। ये सारी चीजों को इकट्ठा करिए, काले कपड़े में बांधिए और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, और बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रहे पानी आपसे दूर जा रहा हो और उसी वक्त कहें ओम नमो सूर्य नंदनाय नमः, बस इस मंत्र का जाप कर दीजिए। देखिए 7.5 के प्रभाव, ये मसाले बहुत तेजी से अरिष्ट प्रभावों को बहा के ले जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि किचन ही आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा आप पर बन सकती है और कैसे आप जो 9 ग्रह हैं उन्हें आप इन मसालों से प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमने कार्यक्रम में जाना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उपाय जरूर अपनाएंगे और आपका भाग्य इनसे जरूर बदलेगा। गुरु जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें हमारे दर्शकों को इतनी अहम सलाह दी, आपका बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, बताएंगे क्या है वो अचूक समाधान जो आपका भाग्य बदले। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।